मोबाइल फोन से फोन वो पेड़ लंबे पेड़ है ना किया जाएगा। देखिए पहले तो हमारा काम है एसेस करना कि कितना डैमेज हो गया है, यहाँ तूफान से हुआ है, हेलस्टोन से हुआ है, कुछ छत उड़ गए हैं, उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। एक मेजर इन सबकी कॉमन इश्यूज़ है कि अनसेफ और जो डेंजरस ट्रीज हैं वो लोकेलिटीज़ में हैं। इसमें मैंने एसडीएम साहब को ऑर्डर कर दिया है कि आप इंडिविजुअल केसेस 133 अंडर सेक्शन CRPC वो टेकअप कीजिए। अगर वो अनसेफ है, पब्लिक हजार्ड है, तो उसमें जो है लीगल कार्रवाई कीजिए। तीसरा, मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आई हूँ, यहाँ के भी कुछ इश्यूज़ हैं तो वो मैंने देख लिए हैं। जो डॉक्टर्स वगैरह अटैच हैं उनके लिए भी मैं ये बोल रही हूँ कि दे शुड ज्वाइन देयर ड्यूटीज़ एंड एब्सेंस जो है वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएगी। तो ये एक असेसमेंट का एक दौरा था, असेस करने का कि कितना डैमेज है और अंडर NDRF वगैरह हम किस तरह से इनकी नीचे जाने पड़ेगा। मैम, हमने खुद यहाँ पेशेंटों से बात की, पेशेंटों का ये कहना है कि अक्सर यहाँ पर जो गहना पेशेंट्स होते हैं उनको रेफर किया जाता है, हालांकि उनका टाइम भी होता है, कभी उनको कहा कि आप रुक जाओ, उसके बाद फिर वो खुद चले जाते हैं LD या बाकी जगह। तो इस तरह डॉक्टर की तरफ जी, मैंने डॉक्टर्स को बिल्कुल हिदायत की है कि कोई भी रेफरल जो है विदाउट नीड नहीं किया जाएगा। अगर होगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। मेरे SDMs यहाँ पर हैं, दे आर सपोज टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनी एरिंग डॉक्टर्स जो इनको फजूल में यहाँ से जो है वो श्रीनगर भेज रहे हैं। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वी हैव ऑल फैसिलिटीज़ हियर। तो हमारे जो यहाँ पर BMO वगैरह भी हैं उनको भी मैंने यही गाइड दी है कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ हैं उनका पूरा इस्तेमाल किया जाए। मैम, मकान को छोड़ के जो यहाँ पर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर जो नुकसान हुए उनके बारे में आप क्या बताएं? जी हाँ, उसकी पहले असेसमेंट की जाएगी। अभी क्योंकि आज और कल का भी रेन्स का है फोरकास्ट, तो हम कंटिन्यूस एक असेसमेंट कर रहे हैं। तो असेसमेंट करने के बाद ही वी विल सी कि हम क्या उसमें लीगल कार्रवाई कर सकते हैं।